वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है नई आर्थिक नीति। तो अगर आपने इसे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिए, तभी आपको जो चैप्टर है वो समझ में आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस पार्ट में जो हम करेंगे इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एलपीजी किसे कहा जाता था? एलपीजी जो है ये नई आर्थिक नीति, जिसके अंतर्गत तीन जो नीतियां हैं, एल से हमारा है उदारीकरण, पी से हमारा है जो निजीकरण को पी से डिनोट करते हैं, और जी से क्या है हमारा, जिससे हमारा वैश्वीकरण। तो देखिए, जो एलपीजी नीतियों के जो ऋणात्मक प्रभाव है वो देखते हैं। हमने इससे पहली वाली वीडियो में जो सकारात्मक प्रभाव है वो देखे थे, अब हम इसके ऋणात्मक प्रभाव देखेंगे, यानी कि नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से थे। एलपीजी नीति से अगर हमारे देश को फ़ायदा हुआ है तो उससे कौन कौन से नुकसान भी हुए हैं। तो देखिए, पहला जो नुकसान था वो हुआ है कृषि की अवहेलना, क्योंकि जो एलपीजी नीति है उसके द्वारा जो उद्योग हैं उनको भी अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द क्या करना था, जीडीपी में वृद्धि करनी थी, जिससे कि हमारे राजकोषीय घाटा, भुगतान शेष घाटा, हमारा देश जो झेल रहा था उन सबको कम किया जा सके। और जीडीपी में कैसे वृद्धि होती है? जीडीपी में तब वृद्धि होती है जब हमारे उद्योगों का विकास होता है। तो जो उद्योग है उन पर अधिक महत्व दिया जा रहा था, जिससे कि जो कृषि क्षेत्र है उसकी पूरी रूप से अवहेलना की जा रही थी। अवहेलना का मतलब अनदेखा किया जा रहा था कृषि क्षेत्र को, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिससे कि कृषि क्षेत्र की जो विकास की दर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। और ये जो है ये बहुत बुरी खबर होती है हमारे किसी भी देश के लिए, क्योंकि जो कृषि है, वो जो उद्योग है वो भी क्या कृषि पर आश्रित हैं। हम बहुत सारी वीडियोस में पहले बता चुके हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कृषि है वो क्या करता है, कच्चा माल प्रदान करता है उद्योगों को, जिससे कि वो अपनी जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उन्हें उपलब्ध करवा सके। तो जो कृषि है वो कच्चा माल प्रदान करता है उद्योगों को। अगर कृषि क्या है वो कम होगा तो इसका मतलब क्या है, कच्चा माल भी कम उपलब्ध होगा उद्योगों को, जिससे कि जो उद्योग है उनकी विकास की दर खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कम होने शुरू हो जाएगी। तो कृषि की अवहेलना की जा रही थी, जो बहुत ज़्यादा बुरा साबित है, बहुत ज़्यादा बुरी जो एक प्रभाव कहा जा सकता है कि कृषि की अवहेलना की जा रही थी। अगला देखिए, विकास प्रक्रिया का शहरी केंद्रीकरण। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो उद्योग होते हैं वो कहाँ खुलते हैं, अगर हम कोई फैक्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं, कोई उद्योग खोलने की बात कर रहे हैं, तो हमारा सीधा जो मतलब है कौन से क्षेत्र से होता है, हमारा जो सीधा मतलब है वो एक शहरी क्षेत्र से होता है, किसी शहर में अपना उद्योग खोलना। क्योंकि अगर हम अपना जो उद्योग है वो गांव में खोलेंगे तो उसमें आधारिक संरचना, जैसे कि जो सड़कें हैं वो सही नहीं होती हैं, तो हम अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा पाएंगे, जिससे कि हमें लागत अधिक चुकानी पड़ेगी, तो ऐसा हम नुकसान नहीं झेल सकते हैं। इसलिए हमारा जो मतलब होता है कि हम उद्योग खोलना चाहते हैं, तो हमें अगर ज़मीन चाहिए तो हम कहाँ की देखते हैं, हम शहर ही देखते हैं, तो वहाँ की आधारिक संरचना अच्छी होती है, इसलिए जिससे कि जो शहर है वो तो बढ़ते जाते हैं, शहर का विकास होता जाता है, परंतु जो शहर और जो गांव है उनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो इनके बीच का अंतर होता है, चाहे वो आधारिक संरचना को लेकर हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसे पिछड़े गाँव हैं जहाँ की आधारिक संरचना बहुत ख़राब है, यहाँ तक कि वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था भी नहीं है। तो ये अंतर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये किस कारण हुआ? ये एलपीजी नीतियों के कारण हुआ, क्योंकि एलपीजी नीतियां क्या थी, एलपीजी नीतियां इसलिए शुरू की गई थी जिससे कि हमारे जीडीपी में वृद्धि हो। जीडीपी में वृद्धि किस प्रकार से होगी, उद्योगों के द्वारा होगी, और उद्योग कहाँ खोले जाते हैं, शहरों में खोले जाते हैं, जिससे शहरों का विकास होता है। अगला देखिए, आर्थिक उपनिवेशवाद। आर्थिक उपनिवेशवाद का मतलब है जब हमारा देश गुलाम था। हमारा देश कब तक गुलाम रहा है, लगभग 200 सालों तक हमारा देश गुलाम रहा है। हम सभी जानते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे भारत में आई, और कुछ समय के बाद उसने हमारे भारत पर राज करना शुरू कर लिया, जो ब्रिटेन है उन्होंने। तो ये क्या था,
ये राजनीतिक रूप से भी था, आर्थिक रूप से भी था और सांस्कृतिक रूप से भी। एक तरीके से हमारे देश को गुलाम बनाया गया था। परंतु अगर अब दोबारा से अगर कोई किसी भी देश पर राज करना चाह रहा है या फिर राज कर सकता है किसी भी देश पर, तो वो आर्थिक रूप से कर सकता है, क्योंकि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा क्या होता है, आर्थिक रूप से किसी देश को गुलाम बनाया जा सकता है। तो अब अगर कोई देश गुलाम होगा तो वो आर्थिक रूप से होगा, क्योंकि वैश्वीकरण के द्वारा क्या है, अब जो देश हैं उनसे आयात निर्यात भारत ने शुरू कर दिया है, क्योंकि उस पर अब कोई रोक नहीं है। तो कोई बाहरी देश का आकर क्या कर सकता है, अपनी कोई भी कंपनी खोल सकता है, क्योंकि अब क्या 100% तक का उसे छूट है कि वो 100% तक की पार्टनरशिप कर सकता है, निवेश कर सकता है। तो इससे क्या है, अगर उपनिवेशवाद जो है उसकी संभावना है तो वो आर्थिक रूप से देखी जा सकती है। ये अर्थशास्त्रियों ने देखा गया है, अर्थशास्त्रियों के द्वारा देखा गया है। अब देखिए अगला पॉइंट है जो ऋणात्मक प्रभाव कहा जा सकता है, वो है उपभोक्तावाद का फैलाव। जैसे कि हमने इसे पहले वाली वीडियो में देखा था कि जो उपभोक्तावाद है, जो LPG है उसके द्वारा जो उपभोक्तावाद है उसे क्या मिला है, उसे उसमें बढ़ोतरी हुई है उपभोक्तावाद में, क्योंकि अब अनेक प्रकार की जो कंपनियां हैं वो खुली हैं, और इसके साथ साथ जो अलग अलग ब्रांड है, जो एक ही वस्तु के अलग अलग इतने सारे ब्रांड हमें दिखाई देते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस ब्रांड की वस्तु लें। तो ये अलग अलग ब्रांड जो है, जिससे कि जो उपभोक्तावाद है कि उपभोक्ता जो चाहता है उसके मनपसंद की जो वस्तु है वो उसे अब इतनी अधिक मात्रा में मिल रही है, जिससे कि उपभोक्तावाद का क्या हुआ है, फैलाव होना शुरू हुआ है। और ये एक ऋणात्मक प्रभाव भी कहा जा सकता है, क्योंकि जितनी अधिक वस्तुएं होती हैं उतनी अधिक जो उपभोक्ता है उसकी इच्छा होती है कि वो कुछ और भी खरीदे, इतनी सारी चीज़ें उसे उपलब्ध होती हैं। तो कई बार जो उपभोक्ता है वो क्या करता है, अपनी आय से भी ज़्यादा उधार लेकर क्या करता है, जो वस्तुएं उन्हें खरीदता है, जिससे कि उपभोक्तावाद एक सही तो है कि हमारे पास चॉइस है कि हम कुछ भी ले सकते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें ले सकते हैं। अगर उपभोक्तावाद ज़्यादा फैल जाएगा तो ये नुकसानदेह भी होगा, क्योंकि इससे क्या है, इससे उपभोक्ता के लिए इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो जो उपभोक्ता है बहुत बार तो खुद ही कंफ्यूजन में हो जाता है कि उसे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। एक तो ये नेगेटिव पॉइंट दिखाई देता है हमें, नकारात्मक पॉइंट, और दूसरा यह है कि कई बार जो उपभोक्ता है वो अपनी आय से भी अधिक जो वस्तुएं उसे खरीद लेते हैं, जो उनके लिए नुकसानदेह सिद्ध होता है। अगला देखिए, एक तरफा समृद्धि प्रक्रिया। इसका मतलब है कि जो LPG की जो नीतियाँ थी इनके द्वारा अब जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी समृद्धि तो तेज हुई, जो समृद्धि की प्रक्रिया थी वो तो तेज हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में, परंतु यह एक तरफा थी। इसका मतलब है, एक तरफे का मतलब है कि यह केवल सेवा जो क्षेत्र है वहाँ तक ही सीमित थी। इससे जो सेवा क्षेत्र है उसकी समृद्धि प्रक्रिया बढ़ी, क्योंकि जो अगर उद्योग खुलते हैं तो इससे क्या होता है, जो आधारिक संरचना होती है वो अधिक होती है, वो बहुत अच्छी होती है, तभी तो जो उद्योग है वो सही मायने में विकसित होंगे। तो परंतु जो सेवा क्षेत्र है और जो सेवा क्षेत्र के अंदर केवल सड़कें नहीं आती, हमारे बैंक भी आते हैं, तो जो बैंक है उनका निर्माण भी किया गया और बहुत अधिक मात्रा में किया गया। तो इसे आप जो आने वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे बैंक के बारे में। तो जो बैंक है, सेवा जो क्षेत्र है जिसमें हमारी सड़कें आती हैं, इन सब में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो इससे जो तीसरा क्षेत्र होता है, पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। तो जो सेवा क्षेत्र है वो तो बढ़ गया, परंतु ये एक तरफा विकास कहा जाता है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई परंतु जितनी उद्योगों में वृद्धि होनी चाहिए उतनी नहीं हुई, जो उद्योग वो कम मात्रा में विकसित हुए परंतु जो सेवा क्षेत्र है उसमें वृद्धि प्रचुर मात्रा में हुई। तो इससे क्या है, एक तरफा बढ़ोतरी हुई है, एक तरफा समृद्धि प्रक्रिया हुई है। और जो कृषि क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो भी क्या है, उसकी विकास की दर भी कम रही है, जैसे कि हमने इसके फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ा था। अगला देखिए, सांस्कृतिक हर्ष। सांस्कृतिक हर्ष का मतलब है कि जैसे जैसे जो LPG की नीतियाँ हुई और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला, वैसे ही जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति से हटते चले गए, संस्कृति से उनका अलगाव होना शुरू हो गया। अब वह अपनी जिम्मेदारियों को ना देखते हुए केवल अपने 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 सिद्धि साधने के लिए अपने
अपनी जो विलासिता है उसको पूरी करने के लिए जो अपने जिम्मेदारी हैं उनसे दूर हटते चले गए। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लें तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो हमारे ही देश में पढ़ने के बाद हमारे देश से हटकर हमारे देश से दूर जाकर विदेशों में क्या करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, जिससे उनका तो लाभ होता है, परंतु अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में नुकसान होता है, क्योंकि वो हमारे देश में पड़े हैं और फिर जो अपनी सेवा है वो किसे प्रदान करते हैं, बाहरी देशों को प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारा देश तो विकासशील ही रहेगा, विकसित नहीं रहेगा, परंतु जो बाकी के देश है जहाँ पर वो जाकर कार्य करते हैं वो विकसित हो जाएंगे। दूसरा, हम कहें कि अपने परिवारों से अलग होकर भी जाते हैं, अपने माता पिता को यहीं पर छोड़ कर चले जाते हैं, जिससे कि वो अपने जिम्मेदारियों से भी भागते हैं, तो हमने यह भी देखा है। तो ये किस कारण है, एलपीजी की नीतियाँ जब से लागू हुई है उसका एक नकारात्मक पॉइंट कहा जा सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।